हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद। तो हम लोग तो क्लास ट्वेल्थ में रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इससे पहले मैंने लेक्चर में आपको रिलेशन का टाइप समझाया था, ओके, मैंने जिसमें इम्पिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन आपको समझाया था। इस टॉपिक में, इस वीडियो लेक्चर में, ओके, हम लोग बात करेंगे इक्वेलेंस रिलेशन की, ओके। यही हमारा सिलेबस है, यही से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है ट्वेल्थ क्लास का। तो जितने भी ट्वेल्थ वाले बच्चे हो, एक्साइटेड हो जिसके लिए, वो आपके लिए आ गया है। और आप यहाँ से ईमानदारी से पढ़ो, आपका पूरा क्वेश्चन लगेगा। आपको ये सारी चीज़ें पूरा वीडियो लास्ट देखो। ये जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये आपको अभी देखने में टफ लग रहा होगा, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आज का टर्म आपको समझ में दिक्कत नहीं होगा समझने में, ठीक है। जनरली बच्चों को, चूंकि ये चैप्टर बहुत ही बच्चों को बोरिंग लगता है, क्योंकि लैंग्वेज है इसमें, ओके, जनरली बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है, याद नहीं हो पाता कि सर ये क्या है, ये क्या है, कन्फ्यूजन होता है, ओके, सवाल नहीं बनता बच्चों से। मैं लेकिन प्रॉमिस करता हूँ, इस बात का मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, ओके, यकीन दिलाता हूँ कि आप अगर मेरे साथ बने हुए तो मैं आपको पूरा ईजी कर दूंगा। ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत लॉजिकल है, ओके, बस मेरे साथ बने रहो, मैं समझाता हूँ आपको क्या है। चलो, तो आज का जो टॉपिक है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? एक रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। इनमें से कोई एक चीज़ ना हो, मान लो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे। तीनों होना चाहिए, कोई एक भी ना हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता है। आपको सर ये क्या है, ये तीनों, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है सर? तो मैं समझाता हूँ, चलो एग्जांपल लेकर के एक एक करके सबको डिटेल करते हैं हम लोग सबको। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखा है, आपको डेफिनेशन हो सकता है कि थोड़ा सा अजीब लगे, ऑड लगे, लेकिन चिंता मत करो, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। चलो देखो, मैं आपको बताता हूँ, ओके, ध्यान देना अच्छा से। ये सेट एक दिया हुआ है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आपको क्या रहेगा कि इस चैप्टर में आपको दो बात पहले दिमाग में बैठा लेना है, ओके, कि इस चैप्टर में, यानी कि ये आपको इस चैप्टर जो रिलेशन चैप्टर है, ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 1.1 है, वो उसमें आपको एक सेट दिया रहेगा। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में एक सेट का चर्चा किया रहेगा, यानी सेट गिवन रहेगा और एक रिलेशन भी डिफाइंड रहेगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चन में सेट भी दिया रहेगा और रिलेशन भी दिया रहेगा, दोनों चीज़ दिया रहेगा, बस आपको ये पता करना होगा कि ये सेट, ये रिलेशन किस टाइप का है। मैंने आपको रिलेशन का टाइप बताना है, यही है टाइप, मैंने कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ओके, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको ना तो रिलेशन बनाना है, ना सेट बनाना है, मैंने कि रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व होगा उसके टाइप से, उसका टाइप वाला क्वेश्चन रहेगा, ओके, यानी कि आपको क्वेश्चन में सेट भी गिवन रहेगा, रिलेशन भी गिवन रहेगा। आप सेट कितने रहेंगे, अभी सुनो, क्वेश्चन में सेट ऑलरेडी सिर्फ एक सेट दिया रहेगा, जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया रहेगा 1, 2, 3, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ओके, पहली बात। दूसरी बात कि सेट, सेट एक तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये सेट कुछ भी हो सकता है, सेट ए हो सकता है, सेट बी हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर्स हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, ओके, सेट दिया रहेगा आपको। और रिलेशन भी आपको दिया रहेगा, रिलेशन भी आपको डिफाइंड रहेगा। आपको सर रिलेशन, तो बात सुनो अच्छा से, गौर से अभी, ओके, रिलेशन में क्या रहेगा, जैसे मान लो 1, 2, 2, 3, मैंने एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ओके, 2, 3, 3, 1, ओके, जैसे ऐसे दिया हुआ है। चलो, रिलेशन की खास बात समझना कि रिलेशन का हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट। कहो सर पॉइंट क्या होता है? पॉइंट जैसे ऐसे लिखते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में और 10th क्लास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो ये पॉइंट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। एक पॉइंट दो नंबर से बनता है, एक्स कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ओके, तो ये एक पॉइंट है। तो रिलेशन का हर एक एलिमेंट इसी टाइप का होगा, इसी रूप का होगा, इसी शक्ल का होगा, इसी फॉर्म का होगा, माने हर एक, दोनों, ये एक एलिमेंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि रिलेशन के अंदर 1, 2 हो, 2, 3 हो और यहां लिखा हो 4, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये पॉइंट है, सही है सर, ये पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट तो नहीं है, ये नंबर है, पॉइंट तो नहीं। पॉइंट होने के लिए दो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, वो भी छोटे ब्रैकेट में होना चाहिए, छोटा ब्रैकेट में नहीं है, तो ये रिलेशन हो ही नहीं सकता है, ये रिलेशन हो ही नहीं सकता, पहली बात, ओके, समझ में आया आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके, पहली बात कि हर एक एलिमेंट सेट का, सॉरी, रिलेशन का एक पॉइंट होगा, ओके। दूसरी बात इंटरेस्टिंग है कि रिलेशन के अंदर, जैसे मैं इसे लिख दूँ 1, 2, 2, 3, 4, 5 या 4, 1, ऐसा लिख दूँ, ऐसा करके लिख दूँ, ओके, मैं पूछूँ क्या ये रिलेशन है, तो आप कहोगे सर हाँ रिलेशन है, लेकिन इस सेट के लिए रिलेशन नहीं है। हो सकता है ये रिलेशन किसी के लिए हो, लेकिन इस सेट के लिए रिलेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने बोला कि जो सेट, जो रिलेशन होगा ना, उसका हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा, और उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वो सभी इस सेट के अंदर होना चाहिए, सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए,
ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहले आप बेसिक समझोगे ना, तब जाकर आप इस चैप्टर को समझोगे तो मजा आएगा. बच्चे लोग को यही पता नहीं रहता है, अब बच्चा को दिक्कत होती है कन्वर्ट करने में. ओके, मैं बता रहा हूँ. तो हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होता है, और पॉइंट का हर एक पॉइंट का एक्स कॉर्डिनेट और वाई कॉर्डिनेट दोनों नंबर ए के अंदर रहेगा, इस सेट के अंदर रहेगा, इस सेट के बाहर नहीं रहेगा. जो सेट क्वेश्चन में डिस्कस किया रहेगा, गिवन रहेगा, उसी के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जा सकता है. तो ये तो रिलेशन है, ये आर रिलेशन है ए का, ए में आर इज अ रिलेशन ऑन ए, रिलेशन है ए में. क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक्स कॉर्नर वाई कॉर्नर इस ए के अंदर है, एक के बाहर नहीं है. लेकिन ये जो आर है, मान लो इसका नाम मैंने आर वन दे दिया. ओके, चलो आर वन इस सेट के लिए रिलेशन नहीं है. पूछो क्यों सर, क्यों नहीं है? ये तो सर पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तो रिलेशन होना चाहिए. आप तो बोले कि पॉइंट है, लेकिन वन टू इसके अंदर है, टू थ्री इसके अंदर है, फोर वन, फोर वन तो है लेकिन फोर इसके अंदर नहीं है, फोर इस सेट के बाहर है. यानी कि आर वन इज नॉट अ सेट, नॉट अ रिलेशन ऑन द सेट ए. मैंने इस एग्जाम्पल के लिए आर वन रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये चार इसके अंदर नहीं है, फोर नहीं है. ये समझना बहुत जरूरी है. तो दो तीन बातें याद ना कि क्वेश्चन में दो बातें इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन का हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा, पॉइंट होगा यानी कि ब्रैकेट में होगा हमेशा, ओके ऑर्डर पेयर में होगा, और हर एक पॉइंट का एक्स कॉर्डिनेट वाई कॉर्डिनेट जो सेट दिया रहेगा उसी के अंदर रहेगा, उस सेट के बाहर नहीं जा सकता है. दो बातें आपको पल्लू में गांठ बांध लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा से. ओके चलो, ये बात समझ में आ गया होगा तो आपको आप समझ में आएगा. चलो अब मैं बताता हूँ कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है सर. अब रिफ्लेक्सिव समझो, सुनो मैंने क्या बोला आपको कि इस चैप्टर में आपको ऑलरेडी आपको सेट दिया रहेगा, रिलेशन दिया रहेगा, आपको पहचानना होगा कि रिलेशन रिलेशन किस टाइप का है. ठीक है, ये समझो. तो देखो मैं बता रहा हूँ, ये आर वन मैंने एक रिलेशन आपको दे दिया क्वेश्चन में ऑलरेडी. ओके देखो, दो वन टू थ्री फोर सब सब एलिमेंट जो है सब हर पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये ऑलरेडी दिया रहेगा, आपको चिंता नहीं करना है. ओके, हर एक पॉइंट का एक्स कॉर्डिनेट वाई कॉर्डिनेट इस सेट के अंदर है, बाहर नहीं है. ठीक है, चलो रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं? रिफ्लेक्सिव सुनो, डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ, डेफिनेशन मत देखो पहले एग्जांपल से समझाता हूँ. बताओ इस सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट है, बताओ कौन कौन एलिमेंट है सर? वन है, टू है, थ्री है. क्या करना है? वन का वन के साथ पॉइंट बनाना है, खुद का खुद के साथ. टू का टू के साथ पॉइंट बनाओ, थ्री का थ्री के साथ पॉइंट बनाओ. सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का खुद के साथ पॉइंट बनाना है. ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ओके, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका खुद के साथ पॉइंट बनाना है. जैसे मैं बोलूँ एक सेट में ले लूँ बी, अब मैं इसमें दे दूँ वन टू थ्री फोर, चार तक दे दिया मैंने, तो वन वन के साथ वन बनाओ, टू को टू के साथ मैंने खुद को खुद के साथ, थ्री को थ्री के साथ, फोर को फोर के साथ, इस तरह करके. समझ आया? तो यहाँ पर क्या है इस एग्जांपल में देखो, ए में ए में ए में देखो, ए में वन है, वन का वन बना, वन वन बना, टू का टू टू बना, थ्री का थ्री बना, कोई छूटना नहीं चाहिए, सबका सब जितना ए में है. अब ये वन वन टू टू थ्री थ्री इस रिलेशन के अंदर देखो, अगर है तो रिफ्लेक्सिव है, अगर कोई एक भी गायब है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बात खत्म. बहुत ईजी है, देखो वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, ये रिफ्लेक्सिव है. आर वन इज अ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब देखो मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन, अब देखो अब समझ में आ जाएगा. एक्स एक्स यानी सेम सेम, खुद का खुद के साथ, रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ये रिलेशन है. ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये इंपॉर्टेंट है, ए के सारे एलिमेंट का, ए के सारे, फॉर ऑल का सिंबल है ये, मैथ का सिंबल है. ओके, मैथमेटिकल सिंबल है. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के सारे एलिमेंट का खुद के साथ खुद का पॉइंट बनाएंगे तो रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव. डेफिनेशन मतलब याद करो, टेंशन मत लो. ओके, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. जैसे एक एग्जांपल देखो, ये आर टू मैंने दे दिया, अब बोलो आर टू रिफ्लेक्सिव है? तो आर टू सेट तो यहाँ पे ही दिया हुआ है. सेट देखना बहुत जरूरी है, सेट इंपॉर्टेंट. जैसे मैं एग्जांपल दूँ, देखो मैं एक दे दूँ आपको. ओके, ध्यान देना, वन टू मैं ऐसे लिख दूँ, अब मैं एक रिलेशन लिख दूँ वन वन टू टू, ऐसे मैं लिख दूँ. ठीक है, चलो मैं आपसे पूछूँ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो देखो इस सेट के अंदर कौन एलिमेंट है? वन है सर, टू है, वन वन है, हाँ है सर, टू 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 है, मैंने जो एलिमेंट है उसी का खुद के साथ पॉइंट बनाना है, खुद के साथ खुद का, तो वन वन है, टू टू है, ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है. लेकिन आर टू देखो, तो आर टू देखो तो यहाँ कौन सेट है? वन टू थ्री, तो वन वन भी होना चाहिए, टू टू भी होना चाहिए, थ्री थ्री, वन वन तो है, टू टू है, लेकिन थ्री थ्री नहीं है, ये आर टू रिफ्लेक्सिव नहीं है. आर वन रिफ्लेक्सिव है लेकिन आर टू रिफ्लेक्सिव नहीं है. कहो सर क्यों नहीं है सर? तो बताओ रहा हूँ ना कि वन वन तो है, टू टू है, लेकिन थ्री थ्री नहीं है. इस सेट के लिए, ए सेट के लिए आर टू रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो सेट के सेट पे डिपेंड करता है कि सेट में कौन सा एलिमेंट है. जितना भी एलिमेंट होगा सबका खुद के साथ पेयर बनाना है. जैसे इस सेट में देखो, इस सेट में वन टू है, थ्री नहीं है इसके अंदर, वन टू है तो वन वन ही देखेंगे, टू टू ही देखेंगे, वन वन टू टू ही देखना है हमको, और कोई नहीं देखना है.
क्योंकि इसके अंदर दो ही एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर तीन एलिमेंट है, वन भी है, टू भी है, थ्री भी है। वन का वन के साथ, टू का साथ, थ्री का थ्री के साथ। वन वन भी होना चाहिए, टू टू भी होना चाहिए, थ्री थ्री भी होना चाहिए। तो इसमें वन वन भी था, टू टू भी था, थ्री थ्री भी था, यानी आर वन रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आर टू, वन वन है, टू टू है लेकिन थ्री थ्री नहीं है, इसके अंदर आर टू रिफ्लेक्सिव नहीं है, बात खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, आई होप ओके, यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। ओके, ये रिफ्लेक्सिव है, R is a relation, R is a reflexive relation on a set A. क्यों? क्योंकि इसके अंदर one two ही है। ये important चीज़ है। जैसे मैं आपको example दूँ कि मैं ये set को मैं बोल दूँ, set A को लिख दो ऐसे करके, देखो समझो, one two three four। अब मैं R one को फिर से लिख रहा हूँ, R one को फिर से वही लिख रहा हूँ, one one two two, okay, three three। समझो, example देके समझ में आएगा तो clear होगा। चलो, मैंने फिर लिख दिया। अब इसमें ये अलग से एग्जांपल ले लियो, अलग एग्जांपल ये है, मैं बोलूँ क्या आर वन या आर दे दूँ, क्या आर इस ए पर रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव चेक करना पहला, रिफ्लेक्सिव। ओके, तो चेक करो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, वन है इसमें, टू है, थ्री है, फोर है। सेट को देखना इंपॉर्टेंट है, सेट पर डिपेंड करता है बात। वन वन है, हाँ है, टू टू है, कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, थ्री थ्री है, हाँ है, लेकिन फोर फोर है, नहीं है, फोर फोर नहीं है, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बात खत्म। R is not reflexive relation on the set A. इस सेट के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए, इस एग्जाम्पल, ये अलग एग्जाम्पल है। क्यों नहीं सर, इसके अंदर चार एलिमेंट है तो चारों खुद के साथ होना चाहिए, सबका सब होना चाहिए। इसलिए डेफिनेशन में मैंने लिखा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मैंने इस सेट A का सारे एलिमेंट का खुद के साथ पॉइंट मौजूद होना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए, नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसमें है, वन वन है, टू वाला देखो, इसमें तो दो ही तीन एलिमेंट था, वन टू थ्री, तो इसमें वन वन भी है, टू टू भी है, फोर तो है ही नहीं इसके अंदर, तो फोर को देखना ही नहीं है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको अच्छा से। ओके, आर टू रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्योंकि वन वन है, टू टू है, लेकिन थ्री थ्री इसके अंदर नहीं है, बात खत्म। समझ में आ गया? चलो, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलो, अब मैं कुछ और एग्जांपल, अब आता हूँ सिमेट्रिक पे। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया, याद रखो सिंपल, खुद का खुद के साथ, खुद का खुद के साथ। अगर सेट ए के अंदर वन है, टू है, थ्री है, तो वन वन होना चाहिए, टू टू होना चाहिए, थ्री थ्री होना चाहिए। अगर एक भी गायब है सेम के साथ, खुद का खुद के साथ, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पे आर वन रिफ्लेक्सिव है, आर टू रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं सर, आर टू में वन वन है, टू टू है, लेकिन थ्री थ्री मौजूद नहीं है, रीजन देना हो तो। क्लियर हो गया? चलो, अब आते हैं सिमेट्रिक पे। ओके, सिमेट्रिक सुनो क्या है, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए सेम सेम, खुद का खुद के साथ, खुद का खुद के साथ। ओके, यानी जो वैल्यू यहाँ वो वैल्यू यहाँ। अगर मान लो मैं बोलूँ कि एक्स वाई है, ओके, ये रिफ्लेक्सिव बोल रहा है, तो यानी कि एक्स का वैल्यू वाई के क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, एक्स का वैल्यू वाई के इक्वल होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना है तो सबका सब रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, चलो अब सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। सिमेट्रिक देखो कितना आसान है, सिमेट्रिक लिखा करना है कि रिलेशन के अंदर देखना है, और रिलेशन के अंदर हर एक दो से देखो, अगर एक्स मान लो कि अगर रिलेशन के अंदर वन टू है, वन टू है, अगर रिलेशन के अंदर सेट को नहीं देखना है इसमें, सिमेट्रिक के लिए रिलेशन को देखना है। अब रिलेशन के अंदर अगर वन टू है तो उसका उल्टा करो, उल्टा करो, उल्टा करो, उल्टा करो, मानी कि इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट उल्टा करके, जो इसका x कोऑर्डिनेट था इसका y कोऑर्डिनेट बना दो, और जो इसका y कोऑर्डिनेट था इसका x कोऑर्डिनेट बना दो, उल्टा कर दो, उल्टा फुल्टा बोलो, उल्टा फुल्टा। तो अगर उल्टा फुल्टा करने पे अगर ये अगर रिलेशन का अगर ये ऑलरेडी रिलेशन में है, और उसके बाद उल्टा करने पर अगर ये मिला, ये रिलेशन के अंदर होगा, यानी ये ऑलरेडी हम लोग चुन लेंगे और उसका उल्टा करके देखेंगे, अगर ये भी रिलेशन के अंदर मौजूद रहा तो कहेंगे सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है, बात खत्म, सिंपल। ओके, मैं जैसे एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, देखो एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। देखो इस सेम वाला को छोड़ दो, सेम वाला बंद करते हैं। देखो वन टू है यहाँ पे, है वन टू, वन टू का उल्टा कर दो, वन टू को उल्टा कर दो, उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, टू वन, तो टू वन है कि नहीं है, है, और किसी को नहीं देखना है, सिर्फ उल्टा करके देखना है, ये वन टू का उल्टा टू वन है, हाँ सर है, और सबको चेक करना पड़ेगा, सबको मैंने एक एक पॉइंट को चेक करना पड़ेगा। चलो वन वन को देखो, वन वन को उल्टा करोगे तो वन वन होगा, तो ये तो खुद है, तो सेम वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। टू टू का उल्टा करोगे, सबको चेक करना पड़ेगा, तो टू टू का उल्टा टू टू ही होगा, थ्री थ्री का उल्टा थ्री थ्री ही होगा, यानी कि ये इस तीनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो होगा ही होगा, लेकिन वन टू का उल्टा करो, टू वन सर है, उल्टा है मौजूद, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव तो था ही, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखो एक्स वाई आर में होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो वाई एक्स भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अब डेफिनेशन समझ में आ रहा है, आप समझ में आ रहा होगा है ना, चलो ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो ये है। अब इसे आर टू देखो, आर टू देखो, सेम वाला तो लेना ही नहीं, सेम वाला तो लेना ही नहीं, चलो वन टू, हाँ सर है, वन टू का उल्टा करो, टू वन, हाँ है सर, टू वन, थ्री वन, थ्री वन का उल्टा करो, थ्री वन का उल्टा करो, क्या हो जाएगा, वन थ्री, ये है नहीं है, नो वन थ्री इसके अंदर नहीं है, यानी आर टू सिमेट्रिक नहीं है। ओके, आर वन सिमेट्रिक है लेकिन आर टू सिमेट्रिक नहीं है, तो आर टू ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। समझ में आ गया आप लोग को, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, देखो फिर से सुनो, रिफ्लेक्सिव के लिए खुद का खुद के साथ सेम 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 सेम, और सिमेट्री के लिए
उल्टा फुल्टा एक्स वाई तुम वाई एक्स उल्टा कर दो, ओके एक्स वाई तुम वाई एक्स। तो मैंने देखा आर वन में देखा कि आर वन रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के सेम सेम 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 है रिफ्लेक्सिव है। अब चलो उल्टा करना है, 1 1 का उल्टा 1 1 होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 होगा, सिमेट्रिक चेक करने के लिए, और 3 3 का उल्टा 3 3 होगा। तो उल्टा वाले को चेक करने, इस सेम वाले को उल्टा करने की जरूरत नहीं, क्या वो उतना ही आएगा, वो तो होगा ही होगा। 1 2 है, 1 2 का उल्टा देखो 2 1 है सर, है यानी ये सिमेट्रिक है। अब आर टू में आ जाओ, आर टू देखो रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करो, रिफ्लेक्सिव सर 1 1 2 2 3 3 नहीं है इसमें, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक के लिए उल्टा, तो 1 2 का उल्टा 2 1 है सर, हाँ है। ये नहीं कि खुश हो जाना कि 1 2 है तो 2 1 है सर सिमेट्रिक बोलते हैं, नहीं और भी चेक करना पड़ेगा, जितना पॉइंट होगा सबको चेक करना पड़ेगा। अगर कोई एक पर भी फेल कर गया तो सिमेट्रिक नहीं होगा। मान लो कि इसमें पॉइंट 4 होता, 4 पॉइंट मैंने था, 4 ऑर्डर पेयर था, 4 ऑर्डर पेयर था, 4 पॉइंट था, और 3 पे लागू हो गया, 3 का उल्टा मौजूद है और 4th का उल्टा मौजूद नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, बात खत्म। सब पे लागू होना चाहिए, जितना भी रिलेशन के अंदर एलिमेंट है सबको पॉइंट को उल्टा करके देखना पड़ेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करके देखना पड़ेगा, ओके। तो अगर मौजूद होगा तो कहेंगे सिमेट्रिक है। तो देखो 1 2 का उल्टा 2 1 तो है, ठीक है सर। अब अभी नहीं कि बोल देंगे हाँ सिमेट्रिक है, ऐसा नहीं, अब एक और चेक करेंगे, हाँ 3 1 है, 3 1 का उल्टा चेक करो, तो नहीं है 1 3, 3 1 का उल्टा 1 3 नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो R1 रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। आप एग्जांपल और दे दो, आप कहोगे सर चलो मैं एक एग्जांपल R3 दे दो, चलो आप भी कहोगे सर 1 1 2 2 3 3 चलो बताओ, आप लोग बताओ इसमें R3 के बारे में क्या ख्याल है, बताओ पहले बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, बताओ सर रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 यहाँ है, सिमेट्रिक के लिए बोला उल्टा करने के लिए, तो 1 1 का उल्टा 1 1 होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 होगा, 2 को उल्टा करोगे इसको यहाँ लाओ इसको यहाँ लाओ तो 2 ही 2 ही ना रहेगा, 3 3 का उल्टा सेम वाले को तो दिखना ही नहीं है, वो तो उल्टा होगा ही उसका सेम, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव भी सिमेट्रिक भी है, चिंता ही नहीं करना, वो सेम वाला रहेगा तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक की तरफ से ओके है, टेंशन नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक। अब बताओ मैं ऐसे लिख दो, चलो आप बताओ रिफ्लेक्सिव है, हाँ है सर, है नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है R3। अब मैं बोलूँ क्या सिमेट्रिक है, तो कहोगे हाँ है, क्यों? 1 1 का उल्टा 1 1 भी है, 2 2 का उल्टा 2 2 भी है, और कुछ दिखना ही नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए सेट का सारा एलिमेंट देखते हैं, लेकिन सिमेट्रिक के लिए केवल जो रिलेशन के अंदर पॉइंट है उस पॉइंट को उल्टा करके देखते हैं, अगर जितना भी पॉइंट है सबको उल्टा करके अगर मौजूद हो गया तो वो सिमेट्रिक है। 1 1 का उल्टा 1 1 होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 होगा, सिमेट्रिक है ये, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल देखा, और एग्जाम्पल देखो, और देख लो, जैसे मैं और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, कहोगे सर क्या क्या एग्जाम्पल लेना, क्लियर हो जाएगा पूरा, एक एक चीज़ को मैं समझा दूंगा आपको, चिंता नहीं करो, डोंट वरी। चलो जैसे मैं बोलूं 2 3 3 1, ओके 1 1 2 2, उसके बाद 3 1 3 2 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद 3 3। चलो मैंने इतना लंबा ले लिया, लो अब बताओ पहले बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, चेक करो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए यही सेट यही रहेगा, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ उसी सेट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए सर बोले हैं कि सेट ए का सारा एलिमेंट का खुद के साथ खुद का पॉइंट मौजूद होना चाहिए, ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 1 1 है इसके अंदर, तो है 2 2 है, 2 2 2 2 2 2 2 2 है, 3 3 है, 3 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
70 की बात कर लेते हैं। 70 के लिए सबको उल्टा कर देना पड़ेगा, 2-3 को उल्टा करो, 2-3 को उल्टा करो सर, 2-3 को उल्टा करो, उल्टा करने मतलब इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, एक्सचेंज करो, अदला बदली कर दो, तो बन जाएगा सर 3-2। क्या हो जाएगा? 3-2। तो 2-3 है लेकिन 3-2 चेक करना है, 3-2 इसके अंदर देखो, दो 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 या या है, ओके थोड़े नहीं, तो 2-3 है। अभी नहीं कि इतने पे खुश हो जाना है, ओ सिमेट्रिक है, उल्टा करके देख लिया, नहीं और चेक करना पड़ेगा, सबको चेक करना पड़ेगा, ओके चलो 3-1 को देखो, 3-1 है, 3-1 का उल्टा करो, 1-3 है, देखो तो है। अब अभी नहीं कि इतने पे खुश हो जाना, और चेक करो, और भी है, 1-1 का उल्टा 1-1 होगा, 2-2 का उल्टा 2-2 होगा, अब 1-3 का तो भाई हो गया, 3-2 का ये हो गया, 1-2 देखो, 1-2 उल्टा करो, 2-1 क्या 2-1 है इसका, 2-1 है, 2-1 नहीं है, 2-1 नहीं है, देख लो 2-1 नहीं है, यानी ये आईने के खुश है, बच्चा शुरू में खुश हो जाता है कि सर ये सिमेट्रिक भी है, नहीं है, 1-2 का उल्टा 2-1 नहीं है इसके अंदर, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? तो बहुत अच्छा मैंने एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए, क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, एकदम बबाल करके समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, चलो अब आते हैं तीसरा ट्रांजिटिव पे। सबसे कंफ्यूजिंग यही है,
सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है, बच्चे को यही गड़बड़ाता है जा सर। चलो ठीक है, तो पहले एक बात समझो कि रिफ्लेक्सिव वाला किसमें, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले चुका हूँ, ओके मैं यहाँ लिखूंगा। चलो मैं अभी तीनों को अभी और एग्जाम्पल लूंगा, चिंता नहीं करो, आठ थी सब लिखूंगा, डोंट वरी। अब आ जाते हैं, चलो बात करो करते हैं यहाँ पे, ओके मैं इसको भी लिखूंगा बाद में, चलो लिखूंगा बाद में। फिर से आ जाते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ज्यादातर दिक्कत इसी में होता है। इसमें क्यों, तो पहले रिफ्लेक्सिव में क्या था, खुद का खुद के साथ सेट ए का सारा एलिमेंट का मौजूद होना चाहिए, जैसे ये 1 1 2 2 3 3 यहाँ पर है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। बात करते हैं सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक के केस में एक ढूंढते हैं रिलेशन के अंदर, रिलेशन के अंदर एक चुनते हैं और उसका उल्टा करते हैं, तो 1 2 का उल्टा करें 2 1 सर है, और इसकी तरफ से उल्टा करेंगे तो वही हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। सिमेट्री इसकी इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, 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 दिक्कत नहीं है, इसलिए पूरा सिमेट्रिक है ये। चलो अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव के लिए दो एलिमेंट सुन लेते हैं, जैसे कि सिमेट्रिक के लिए एक चूज करते हैं, एक चूज करते हैं, चुनते हैं, एक चूज किए उल्टा किए, वो मौजूद हुआ देखे कि चेक किए तो है तो कहेंगे सिमेट्रिक है, सबको चेक करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए दो चूज करते हैं, दो चूज करते हैं, बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव के लिए दो चूज करते हैं। आप कैसे, सुनो जैसे मैं बताऊं ए बी लिख दो यहाँ पे, ए बी उसके बाद बी सी, दो पॉइंट कम से कम ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए, मेरी बात को थोड़ा सा गौर सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसको गौर सुनना, ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए दो पॉइंट आपको चूज करना पड़ेगा सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर, ओके दो पॉइंट, कितना पॉइंट चूज करना पड़ेगा, दो। तो ऐसा चूज करो कि ए बी ये पहला पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट दूसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो, ऐसा ऐसा लेना है, पहले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट दूसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट के ओके बराबर होना चाहिए, मैंने ऐसे बोलो पहला का आखिरी वाला और दूसरे का पहला वाला दोनों इक्वल होना चाहिए, ओके ये इक्वल रहेगा तभी जाकर का काम बनेगा। तो उसके बाद दो टू को चूज करेंगे, दो टू को चुनेंगे उसके अंदर, दो वो ब्रेकेट को चुनेंगे, दो पॉइंट को चुनेंगे, उसके बाद इनको इनको मारेंगे, ऐसा चुनेंगे जी दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, इनको हटाओ खत्म करो मारो, बचा क्या, बचा क्या, ए और सी, पहले ए लिखो ए और सी, अगर ये ए और सी रिलेशन के अंदर हो गया, ये रिलेशन के अंदर है, ये रिलेशन के अंदर है, ओके ये दोनों रिलेशन के अंदर होना चाहिए, रिलेशन के अंदर दो पॉइंट चुनेंगे, ऐसा चुनेंगे ये भी रिलेशन के अंदर, ये भी, ताकि इसका दूसरा इसका पहला बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा मिल गया तो उसके बाद इसको इसको मिला करके एसी लिखेंगे, वो रिलेशन के अंदर चुन देखेंगे, चेक करेंगे कि एसी है कि नहीं है, अगर होगा रिलेशन के अंदर तो कहें ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं है, लेकिन सबको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रांजिटिव है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, गौर सुनो, आपको एकदम आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा सुनो, मैं इस पर क्वेश्चन भी बेहतर नहीं करवाऊंगा, सो चिंता मत करो, ओके डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, ओके दो डेफिनेशन दिया मैंने बोला, ये एक्स वाई है, ओके सॉरी यहाँ एक्स वाई है, एक रिलेशन के अंदर एक पॉइंट ये चुना, एक और पॉइंट चुनना पड़ेगा, ऐसा चुनना पड़ेगा कि इसका दूसरा इसका पहला बराबर होना चाहिए, तो वाई वाई, ओके तब ये वाई वाई खत्म करो, एक्स जेड, एक्स जेड रिलेशन के अंदर चेक करना है कि नहीं है, दो चुनना है, दो चुन लेना उसमें से, दो पॉइंट चुन लेना है और तीसरा को चेक करना है, और तीसरा मिला तो कहेंगे ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं, सब पे चेक करना पड़ेगा। चलो पहले करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं आप लोग की तरफ से, चलो पहले लेते हैं ये दो पॉइंट लो, पहले एक एक करके चेक करना पड़ेगा ट्रांजिटिव लिए, देखो मैं ले रहा हूँ 1 1 दो पॉइंट लो, रिलेशन के अंदर का दो पॉइंट लेना, ये रिलेशन के अंदर है, चलो ले लो, ये आर वन के अंदर है, चलो अभी थोड़ा सा मैं आराम से समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पेशेंस रखो, सब्र करो, ओके सब्र का फल मीठा होता है, बोलते ना सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी नहीं गिरने देती, न किसी की नजरों में न किसी के कदमों में, फिर से मैं रिपीट करो, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी नहीं गिरने देती, न किसी के नजरों में न किसी के कदमों में, ठीक है, अच्छा लगा ना, ओके गुड, चलो तो सब्र करो, सब्र सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे लोग नहीं कहते हैं कोई सर फल कहाँ मिलता है, मिलेगा मिलेगा, सब्र करो, बी पेशेंस, चलो ठीक है। तो आर वन के अंदर मैंने 1 1 ले लिया, कहो सर 1 1 ले लिया, चलो अब सुना अच्छे से, अब ये वाला पॉइंट मैंने उठाया, अब ऐसे अगला एक और पॉइंट चुन लेना है जिसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये 1 है, अब अगला वाले का एक्स कोऑर्डिनेट 1 होना चाहिए, तो देखो अगला वाले का एक्स कोऑर्डिनेट 1 कौन है बताओ, या या एक्स कोऑर्डिनेट 1 या, तो इसका पहला एक्स कोऑर्डिनेट 1 लो 1 2 ले लिया, ये भी रिलेशन के अंदर है, ले लिया, चलो ये भी रिलेशन के अंदर है, दो टू चुन लिया, दो तो इस फॉर्म डेफिनेशन के साथ चुन लिया, फिर सुनो ऐसा चुनना है कि इसका दूसरा इसका पहला इक्वल होना चाहिए, ऐसा ओके अब इन दोनों को मारेंगे, इन दोनों को हटाएंगे, इन दोनों को हटाएंगे, इन दोनों को हटाएंगे, हटाओ बचा क्या, दोनों चुन लिया, अब इन दोनों को हटाओ बचा क्या, 1 और 2 1 2 1 2 लिखो, 1 2 लिखो, 1 2 लिख दिया, अब 1 2 चेक करेंगे 1 2 है कि नहीं उसके अंदर, देखो तो 1 2 है कि नहीं, यू 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 यह है 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है,
यानी कि इसके लिए इसके इस रिस्पेक्ट में ये ट्रांजिटिव है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, हरवाना नहीं है। बच्चे को कन्फ्यूज होता है, सुनो अभी और चेक करना पड़ेगा। सुनो अब ये वन वन चेक कर लिया, अब सुनो मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट लिया, पहला पॉइंट का वाई कॉर्डिनेट वन है, अब अगला ऐसा चुनना, ऐसा पॉइंट लेना जिसका एक्स कॉर्डिनेट वन हो, तो एक्स कॉर्डिनेट इसका वन था, तो और कहीं वन है और चेक करेंगे, और भी कोई एक्स कॉर्डिनेट वन है, वन वाला है नहीं है, अब उसको रोक देंगे, इसका बारी खत्म, इसकी बारी खत्म, इसके लिए चेक खत्म हो गया, सबको चेक करना पड़ेगा। अब इसके लिए देखो टू टू के लिए, चलो आराम आराम से, चिंता नहीं कर, मैं समझाऊंगा अभी टू टू के लिए, ओके मैं लिखने का मौका दूंगा समझाने के लिए, चलो टू टू, टू टू आर वन में ले लो। अब टू क्या है, इसका वाई कॉर्डिनेट क्या है, पहला वाले का वाई कॉर्डिनेट टू है, अब उसको लो जिसका एक्स कॉर्डिनेट टू हो, एक्स कॉर्डिनेट टू कहाँ है बता दो, टू टू या ले लो, दो टू चुनना है, ओके ले लिया, ले लिया, ले लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को खत्म करेंगे, इन दोनों को खत्म करो, खत्म करो, इनको खत्म करो, बचा क्या, टू वन, टू वन, टू वन चेक करो, चेक कर है कि नहीं है, टू वन है कि नहीं है, टू वन देखो है सर है, ओके टू वन है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी हो गया, तो ये पॉइंट मैंने चुना, इसका वाई कॉर्नर टू था, एक्स कॉर्नर टू, और कोई किसी का एक्स कॉर्नर टू है, किसी और का देखो एक्स कॉर्नर टू है, नहीं है, इसके इसके रिस्पेक्ट में भी हो गया, इसके रिस्पेक्ट में भी हो गया। अब चलो थ्री के रिस्पेक्ट में देखो, चलो थ्री के रिस्पेक्ट में देखो, ये चीज समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मजेदार बात मैं बता रहा हूँ, चलो ठीक है, थ्री देख लो, थ्री, अब थ्री क्या है, इसका वाई कॉर्नर कितना, थ्री है, क्या इसमें कहीं पे वाई कॉर्नर थ्री है, एक्स कॉर्नर थ्री है, एक्स कॉर्नर थ्री है, नहीं है, नहीं है, तो देखो एक बात ध्यान देना, इसी एग्जांपल से मैं क्लियर कर दूंगा, ट्रांजिटिव के लिए दो ठो चुनना है, कहो चुनना है, और तीसरा चेक करना है, ओके, लेकिन यहां पर थ्री के लिए मैंने थ्री, जब थ्री थ्री एक पॉइंट लिया, इसका वाई कॉर्नर तीन है, अब कोई ऐसा थ्री थ्री है ही नहीं जिसका एक्स कॉर्नर तीन है, मैंने कोई ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं जिसका एक्स कॉर्नर तीन है, क्या इसका को किसी में एक्स कॉर्नर तीन है, जैसे यहाँ पे मैंने टू टू लिया, इसका वाई कॉर्नर टू है, अब अगला वाला का देखा कि एक्स कॉर्नर टू वाला ढूंढो, तो एक्स कॉर्नर टू वाला मिला, ये मिला, तो ये मैंने ढूंढा, तो दो चूज कर लिया, और तीसरा मैंने चेक किया है कि नहीं है, तो मिला, मिल गया, ओके। लेकिन थ्री थ्री के लिए देखो, इसका वाई कॉर्नर तीन है, अब थ्री के लिए कोई भी पॉइंट का ऐसा नहीं है जिसका एक्स कॉर्नर तीन है, तो इसका एक पॉइंट तो मिल जाएगा, लेकिन दूसरा पॉइंट मिलेगा ही नहीं, समझ रहे भाई क्या बोल रहा हूं, तो देखो इस पॉइंट ये तीनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही ट्रांजिटिव है, इस तीनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही ट्रांजिटिव है। अब थ्री थ्री के लिए क्या तुम्हारा कहना, बोलो क्या बोलोगे आप लोग, सोचो जल्दी सोचो, मैं आप लोग से पूछता हूं, बच्चे यही फंसते हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि ट्रांजिटिव होने के लिए या न होने के लिए, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए दो टो चूज करना पड़ेगा, दो पॉइंट चूज करना पड़ेगा, दो पॉइंट चूज किया, तीसरा चेक किया, जो मैं बोल रहा हूं, दो पॉइंट चूज किया, तीसरा चेक किया, दो पॉइंट चूज किया, तीसरा चेक किया, दोनों पॉइंट चूज किया, रिलेशन के अंदर वो मौजूद होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक ही पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट मिला ही नहीं, तो चूज करने की बात है छोड़ो, चेक करने की बात है छोड़ो, चेक तो कर ही नहीं सकते हैं, दो पॉइंट मिलता तो ना चेक करता, तीन मैंने मुझे एक ही पॉइंट मिला तो चेक ही नहीं करेंगे, तो इस केस में क्या करना, इन्हें बोला कि ट्रांजिटिव नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में ट्रांजिटिव है, यही चीज समझना है, ये समझो कि एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, मैं क्या बोल रहा हूं, अरे ट्रांजिटिव न होने के लिए या होने के लिए चेक करने के लिए हमको कम से कम दो पॉइंट तो पहले चूज करना पड़ेगा, दो पॉइंट रिलेशन में तो मिलना चाहिए ना, अब मुझे यहां पे तीन तीन के लिए एक ही पॉइंट मिल रहा है, दूसरा पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, तो हम चेक कैसे करेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तीसरा पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि मुझे दो पॉइंट लेना है और तीसरा पॉइंट ढूंढना है, दो पॉइंट यहां मिल ही नहीं रहा है, एक ही पॉइंट मिल रहा है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन मैं पूरा डिटेल कर रहा हूँ, तो तीन तीन के लिए दूसरा पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, तो तीसरा पॉइंट चेक कैसे करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, तो ये बात जब भी अगर आपको आ जाए कि एक पॉइंट मिला और दूसरा पॉइंट हमको ट्रांजिटिव देखने के लिए उसका वाई कॉर्डिनेट इसका तीन है, अगला वाले का एक्स कॉर्डिनेट तीन नहीं मिल रहा है, सेम सेम नहीं मिल रहा है, दो पॉइंट हमको नहीं मिल पा रहा है रिलेशन के अंदर ऐसा जिसका इसका दूसरा उसका पहला बराबर ना हो, तो समझ जाओ कि वो ट्रांजिटिव है इसके रिस्पेक्ट में, क्लियर, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल ही है, ओके चलो इसको रहने दो, आप तीन तीन का चेक करने की जरूरत नहीं है, आप लेते हैं वन टू, चलो वन टू, वन टू हो गया, वन टू में क्या कर लिए, इसको चेक कर लिए, इसको चेक कर लिए, इसको चेक कर लिए, इसके रिस्पेक्ट में भी ट्रांजिटिव है, इसके रिस्पेक्ट में भी ट्रांजिटिव है, इसके रिस्पेक्ट में भी ट्रांजिटिव है, फिर कहोगे सर कैसे इसके रिस्पेक्ट में ट्रांजिटिव है, आप समझाइए अच्छा से, फिर से मैं बोला कि थ्री थ्री के लिए मुझे दूसरा पॉइंट मिला ही नहीं, दूसरा पॉइंट मिला ही नहीं तो हम चेक ही नहीं करेंगे तीसरा पॉइंट को, ओके, तो तीन तीन को मान लेंगे, अगर एक ही पॉइंट मिलेगा तो मान लेंगे ट्रांजिटिव है, एक्सेप्शनल केस है, ओके, ट्रांजिटिव न होने के लिए दो पॉइंट होना चाहिए, न होने के लिए दो पॉइंट होना चाहिए, तीसरा पॉइंट चेक करना है, ओके, लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट मिला, चलो अब वन टू के लिए देखो, चलो वन टू, वन टू देखिए ये पॉइंट ई भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, वन टू, वन टू के लिए क्या है, इसका वाई कॉर्डिनेट कितना, टू है, अब वाई कॉर्डिनेट टू वाला ढूंढो इसमें, वाई कॉर्डिनेट टू किसका है, यही तो है, इसी का तो है, लो लो टू वन, ओके ओके ये है, इसको खत्म करो, खत्म करो, बचा क्या, वन वन, देखो वन वन है कि नहीं, वन वन है, इसके रिस्पेक्ट में ट्रांजिटिव है, ये वन टू मैंने पकड़ा था, अब दो घर से इच्छी समय ना, यहाँ पे वन टू के लिए
वाई कॉर्डिनेट टू था तो टू कॉर्डिनेट वाई कॉर्डिनेट एक्स कॉर्डिनेट, मैंने बोला कि टू वाला ढूंढो तो एक्स कॉर्डिनेट टू इसका भी था, एक्स कॉर्डिनेट टू यहाँ भी है और भी कहीं चेक कर लो, एक्स कॉर्डिनेट टू यहाँ भी है, एक्स कॉर्डिनेट टू भी है, तो एक बार और लेना पड़ेगा, एक बार और लेना पड़ेगा, वन टू को एक बार और लेना पड़ेगा, एक बार इसके साथ ले लिया, एक बार इसके साथ टू टू, अब टू टू मारो, इसको मारो, बचा क्या वन टू, वन टू, वन टू है कि नहीं है, वन टू एक नहीं देखो तो वन टू भी है, तो वन वन भी है, टू भी है, मैंने कि जितना एक पॉइंट के लिए देखो एक पॉइंट मैंने उठा यहाँ समझना, वन टू क्या है आपका टू क्या है वाई कॉर्डिनेट, तो ऐसा ढूंढो जिसका एक्स कॉर्डिनेट टू हो, तो एक्स कॉर्डिनेट टू इसका भी है, एक्स कॉर्डिनेट टू इसका भी है, तो जितना का एक्स कॉर्डिनेट टू मिलेगा सबको लेना पड़ेगा, उसके साथ चेक करना पड़ेगा, कहो सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो बार प्रैक्टिस करो आसान लगेगा, ओके, तो टू टू खत्म, वन वन आ गया, और यहाँ से भी टू टू खत्म, वन टू इसके अंदर है वन टू भी है, वन वन भी है, और देखो और कोई नहीं मिला, अब चलो अब बच गया इसकी बारी, ये बचा हुआ है टू वन, चलो टू वन बचा हुआ, चलो टू वन लो, अब टू वन में क्या है y कॉर्डिनेट वन है, अब हमको क्या ढूंढना है x कॉर्डिनेट वन वाला, पहला है किसका वन है, पहला किसका वन है, पहला किसका वन है, ये इसका पहला वन है, पहला वन देखो, पहला इसका वन है और भी किसका वन है, ये भी है, दोनों को चेक करना पड़ेगा, तो देखो वन वन खत्म करो, बचा टू टू, टू टू है कि नहीं है, है सर टू टू है, ओके क्लियर हो गया, उसके बाद एक और टू वन के साथ वन वन ले लो, सबको चेक करो वन वन, तो वन वन खत्म करो, टू वन, टू वन, टू वन है कि नहीं है, है सर टू वन है, यानी कि अब कोई बचा ही नहीं, सब पर चेक हो गया, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात बार चेक करना पड़ा, ओके इतना चेक करने के बाद ये ट्रांजिटिव है, तो ये ऐसा फंक्शन है, देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव के लिए यही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, नहीं समझ आया वीडियो रिवाइंड करो फिर से देखो मजा आ जाएगा, मैं इसको बहुत बड़े ढंग से अच्छा से लिख देता हूँ आंसर, चिंता मत करना मैं बहुत अच्छे से लिख देता हूँ, एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम सेम सेट ए का सारा एलिमेंट देखेंगे, सबका सेम सेम मौजूद होना चाहिए, तो इसमें वन वन भी है, टू टू भी है, थ्री थ्री भी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक के लिए उल्टा फुल्टा, तो वन वन का उल्टा वन ही बार होगा, तो सेम वाले को चेक मत करो, सिमेट्रिक चेक करने के लिए सेम वाले को चेक मत करो, खाली डिफरेंट वाले को चेक करो, तो वन टू का उल्टा टू वन है, हाँ सर है, तो ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव के लिए बच्चों को दिक्कत होता है, ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बोला कि दो ठो चुनना है, डेफिनेशन दो, दो ठो चुनना है, ओके दो ठो सेलेक्ट करना है, दो ठो पॉइंट रिलेशन के अंदर, दो रिलेशन के अंदर दो पॉइंट चुनना है, एक्स वाई आर इस तरह चुनना है कि पहला का वाई कॉर्डिनेट दूसरे का एक्स कॉर्डिनेट सेम होना चाहिए, यानी कि पहला का पहले पॉइंट का दूसरा नंबर और दूसरे पॉइंट का पहला नंबर बराबर होना चाहिए, इस तरह ढूंढना है, तो ये वाई वाई मारो एक्स जेड रिलेशन के अंदर मिल गया तो कहेंगे ट्रांजिटिव, लेकिन एक ही पॉइंट पे सबको चेक करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है समझ आया, नहीं समझ आया तो वीडियो रिवाइंड करो फिर से देखो मजा आ जाएगा, ओके दो ऑनलाइन तो यही तो फायदा है, कोई चीज समझ में आए तो दोबारा रिपीट कर सकते हो, ओके चलो तो वही मैं बता रहा हूं, तो ट्रांजिटिव में दिक्कत होता है, अब मान लो कि ट्रांजिटिव यहाँ पे मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव में अगर मान लो कि दो पॉइंट हमने दो पॉइंट मैंने ढूंढा, मैंने ऐसा पॉइंट मैंने ढूंढा कि जिसका पहला का यहाँ पर यहाँ पहला का दूसरा दूसरे का पहला ऐसा मिल गया तो चेक करेंगे कि है कि नहीं है, ओके लेकिन अगर एक ही पॉइंट मिला अगला पॉइंट मुझे उसमें ऐसा दिखा ही नहीं जिसका वाई कॉर्डिनेट जिसका दूसरा नंबर पहला नंबर के बराबर हो, जैसे जिसका जिसका वाई कॉर्डिनेट एक वाई कॉर्डिनेट अगला के एक्स कॉर्डिनेट के बराबर हो, जैसे थ्री के लिए, थ्री के लिए इसमें थ्री थ्री तो है लेकिन थ्री का कोई ऐसा पॉइंट मौजूद ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है थ्री थ्री के लिए कोई ऐसा पॉइंट मौजूद ही नहीं जिसका एक्स कॉर्डिनेट तीन हो, ऐसा है ही नहीं इसके अंदर, तो मुझे दूसरा पॉइंट मिला ही नहीं, दूसरा पॉइंट मिला ही नहीं तो हम चेक ही नहीं करेंगे, ओके तो उस केस में जब एक ही पॉइंट मिलेगा ट्रांजिटिव के लिए, एक ही पॉइंट मिल पाया सेलेक्ट करने के बाद, ओके ये बस इतना याद है कि इसका वाई कॉर्डिनेट अगला वाले का एक्स कॉर्डिनेट बराबर होना चाहिए, ओके इसका दूसरा उसका पहला बराबर होना चाहिए, तो ऐसा मिला ही नहीं इसके अंदर, जैसे इसके अंदर मिल गया वन वन मिल गया, ओके लेकिन इसके अंदर मिला ही नहीं, तो इसको बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में ट्रांजिटिव है, इसके रिस्पेक्ट में ट्रांजिटिव है, ये एक्सेप्शनल केस है, ट्रांजिटिव कब नहीं होता, तब नहीं होता जब मुझे दो ठो मिलता, दो ठो मिलता, ओके जैसे एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, लो मैं सेट वही लेता हूँ वन टू थ्री, अभी आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, अच्छा से क्लियर कर देता, लो वन टू, ओके थ्री वन, उसके बाद वन वन, टू थ्री, चलो अब बताओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, चेक करो, तो मैंने क्या बोला पहले स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, चलो वन वन वन, पहले ही बताओ रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है कैसे, क्यों वन 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 है, टू टू नहीं है, थ्री थ्री नहीं है, क्या सिमेट्रिक है, तो वन टू का उल्टा टू वन नहीं है, जब एक ही फेल कर गया, एक ही फेल कर गया, ये भी याद रखना, जब एक ही बार फेल कर गया कि नहीं है तो सब कोई को चेक करने की जरूरत नहीं है, जब जब मान लो ए वो पॉइंट के लिए लागू हो गया तो दूसरा को चेक करना पड़ेगा, तीसरा को चेक करना पड़ेगा, सबको चेक करना पड़ेगा, जहां तक होते जाएगा टोटल चेक करना पड़ेगा, अब मान लो फेल एक ही बार चेक कर गया, मान लो एक ही बार में पहली बार चेक किया, पहली बार में नहीं हुआ तो आगे चेक करना ही नहीं है, बोलेंगे नहीं है, बात खत्म, ओके ये समझना जरूरी है, अब चलो
अभी बने सब ठीक है क्योंकि वन टू कल डॉट वन है। अब चलो ट्रांजिटिव लिखना, ट्रांजिटिव लिखा करना, सुनो सुनो अच्छा सर, वन टू मैंने देख लिया, वन टू पहला पॉइंट ये पकड़ा, पहला पॉइंट ये पकड़ा, यहाँ से स्टार्ट किया। अब ऐसा ढूंढो, ऐसा इसमें एक पॉइंट पकड़ो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ओके टू के बराबर हो, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट ये वाला का और उसका एक्स कोऑर्डिनेट बराबर हो। एक्स कोऑर्डिनेट टू वाला देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट टू वाला यह है, यह है टू थ्री। अब इसको खत्म करो, दो रिलेशन मिल गया, इवन रिलेशन में, इवन रिलेशन में, चेक करो इसको हटाओ, टू टू को हटाओ, बचा क्या वन थ्री, वन थ्री, वन थ्री इसके अंदर है, इसके अंदर है नहीं है, थ्री वन है, वन थ्री नहीं है, काटो नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, बात खत्म। पहली बार भी फेल कर गया, आगे चेक करना ही नहीं है, आगे चेक ही नहीं करना, ट्रांजिटिव नहीं है ये, ठीक है, समझ में आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक एग्जांपल देता हूँ और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, और मैं क्लियर करके छोड़ूंगा आप लोगों का पूरा अच्छा से, ओके चलो। रिलेशन आर मैं एक और लेता हूँ, जैसे टू थ्री, वन थ्री, ओके थ्री टू, इसके बाद वन टू, चलो चेक करते हैं, चलो इस चेक करते हैं, चलो पहले थ्री टू से स्टार्ट करो, थ्री टू से, थ्री टू चेक करो, थ्री टू है, थ्री टू। अब ऐसा इसमें दो दो पॉइंट हो रहा है, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिमेट्रिक है नहीं, सिमेट्रिक होने के लिए थ्री टू का उल्टा वन टू, टू थ्री नहीं है। चलो अब ये बात करो, ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए सर क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव के लिए सर तो क्या करोगे, ऐसा पहला पॉइंट पकड़ा, ऐसा पॉइंट पकड़ो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट टू हो, एक्स कोऑर्डिनेट टू वाला है कोई नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट टू है ही नहीं इसमें, एक्स कोऑर्डिनेट टू नहीं है, यानी कि ये दूसरा पॉइंट मिला ही नहीं, एक के पॉइंट से काम बन गया। तो ये बताओ दूसरा पॉइंट मिलता तो ना, चेक करते हैं, अब दूसरा पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, ओके चलो इसको, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रांजिटिव है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये ट्रांजिटिव है। चलो दूसरा देखो, वन थ्री देखो, वन थ्री, वन थ्री, वन थ्री। अब ऐसा ढूंढो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तीन हो, एक्स कोऑर्डिनेट तीन का वाला कहीं है, या एक्स कोऑर्डिनेट तीन है, रखो थ्री, ओके। अब इसको अब दो टू मिल गया, अब दो टू मिल गया तो चेक करेंगे, अब चेक करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, चेक को ढूंढना पड़ेगा। तो तीन तीन खत्म करो, खत्म करो, कब बचा वन टू, वन टू है, हाँ है सर है। तो इसके रिस्पेक्ट में ट्रांजिटिव है, इसके रिस्पेक्ट में भी ट्रांजिटिव है सर, इसके रिस्पेक्ट में क्यों ट्रांजिटिव है सर, क्योंकि इसमें दूसरा पॉइंट मिला ही नहीं, नहीं मिला तो ट्रांजिटिव है, क्योंकि मिलता तो ना चेक करते कि है कि नहीं, जैसे यहाँ दो पॉइंट मिला तो चेक किए, ये आया अभी ये चेक किया कि है कि नहीं है, तो हाँ है सर, तो ट्रांजिटिव है, नहीं होता तो कहते ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर चेक करने का कोई स्कोप ही नहीं है, चेक तभी ना होता जब दो पॉइंट होता, तो इसके जब भी एक ही पॉइंट खाली मिलेगा, अगला पॉइंट मिल ही नहीं पाएगा तो चेक ही नहीं करेंगे, तो इस केस में बोलेंगे ट्रांजिटिव है, इसके केस में भी ट्रांजिटिव है, यहाँ पर इसके ई वाला केस में तो हो जाएगा, एक्सेप्शनली है ये, एक्सेप्शन है, जब एक ही पॉइंट मिले, दूसरा पॉइंट मिले ही नहीं तो ट्रांजिटिव है, इन्हें बोला नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद चलो ये वाला देखो, अब लास्ट बच गया, लास्ट वन टू ले लिया, अभी किसका एक्स कोऑर्डिनेट टू है, तो एक्स कोऑर्डिनेट टू है क्या, नहीं है, है ये नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट टू है ये नहीं है, यानी ट्रांजिटिव है, तो ये भी ट्रांजिटिव है, सिंगल मिल पाएगा तो ट्रांजिटिव है, बस इतना याद रखो एक्सेप्शनली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ट्रांजिटिव का कंसेप्ट बहुत अच्छा से मैंने समझाने की कोशिश किया, अब मैं आपको सबको अच्छा से लिख देता हूँ, ओके बहुत देर से बक रहा हूँ मैं, ओके मैं सबको अच्छा से लिख देता हूँ नोट करके, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, अगर कोई फंक्शन जैसे ये वाला मैंने बताया, ये रिलेशन ऐसा है, आर वन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, आर वन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो मैं इसको अच्छा से लिख देता हूँ, ओके आपका टाइम बचेगा, मैं अभी थोड़ा देर में, ओके चलिए। तो इसको हम लोग इस एग्जांपल, इसको मैंने जो आपको पीछे समझाया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, उसको मैंने क्वेश्चन में अच्छा से लिख दिया है आप लोगों के लिए, नोट्स आपका मिल जाएगा, चिंता मत करना, कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था वही वे को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बताया रिफ्लेक्सिव के लिए आपको सेम सेम होना चाहिए, तो इसमें सेम सेम है, वन वन टू टू थ्री थ्री है, इसलिए रिफ्लेक्सिव मैंने लिख दिया है, रीजन भी लिख दिया कैसे बनाओगे, इस तरह भी मैंने समझा दिया, वन वन आर वन में है, वन वन टू टू आर वन में है, थ्री थ्री आर वन में है, ओके यहाँ मैंने यहाँ आर वन लिख कर मैं आर ले लेता हूँ, ठीक है। चलो आर वन का चक्कर, आर वन का चक्कर छोड़ो, ठीक है चलो मैं सिर्फ आर लिख देता हूँ, ठीक है सब जगह मैं आर लिख दूंगा, डोंट वरी कर दूंगा मैं, ओके मैं सबको आर कर रहा, क्योंकि मैं एक ही रिलेशन इसमें एग्जांपल मैंने लिया, इसलिए आर वन मैंने दे दिया, हम सब मैंने पिछले बार में आर टू भी एग्जांपल लिया था ना, इसलिए आर वन आर टू मैंने लिख दिया था, सो डोंट वरी, ओके मैंने सिर्फ आर लिख दिया, चलो ठीक है चलो हो गया। तो कहीं आर वन होगा तो देख लेना आप लोग, चलो ठीक है। तो मैंने ये आर एक रिलेशन ले लिया, अब मैंने बोला कि ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सेम सेम मौजूद है, और सिमेट्रिकली का उल्टा फुल्टा करना पड़ेगा, तो सेम वाले को तो देखना ही नहीं, सेम वाला का उल्टा वही हो जाता है, डिफरेंट वाला देखना सिमेट्रिकली, वन टू टू वन, तो वन टू टू वन है, यहाँ पे मैंने लिखा कि वन टू आर में है तो टू वन भी आर में है, रिलेशन में है, आर वाला रिलेशन में आर इज सिमेट्रिक, ओके। और उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए मैंने पूरा जो मैंने तरीका बताया था आपको, पूरा मैंने तरीका यहाँ लिख दिया, चूंकि थ्री वाले का सेम एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मिला तो उसको मैंने नहीं लिखा, तो मैंने एक बार वन वन के लिए लिया था, इस वन वन के लिए देखो, वन वन के लिए वन कोऑर्डिनेट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट किसका है वन, पहला वाला ये है, तो मैंने दिखा इसको हटाया वन वन को, तो वन टू मिल गया, वन टू मिल गया, रिलेशन में सब कुछ चेक करेंगे करके, फिर टू टू से स्टार्ट करेंगे, टू टू वाला, तो टू टू वाला के साथ लेंगे इस टू वाले को, ओके
तो मैंने वो लिया। फिर 3-3 वाला तो मिला ही नहीं, 3 वाला अगला मिला ही नहीं, तो उसके लिए तो है ये ट्रांजिटिव। फिर 1-2 के लिए, तो 1-2 के लिए देखो इसका वाई कॉर्डिनेट 2 है, तो अगला एक्स कॉर्डिनेट 2 यहाँ भी है, एक्स कॉर्डिनेट 2 यहाँ भी है, तो 2 वाला लेना पड़ेगा 1-2 के लिए। 1-2 को यहाँ भी लेना पड़ेगा, 1-2 को यहाँ भी लेना पड़ेगा, ओके। और उसका 2-1 यानी 1-1 जिसका एक्स कॉर्डिनेट किस किस का 1 है, इसका 1 है, एक्स कॉर्डिनेट 1 इसका भी 1 है, तो 2 वाला इसका भी लेना पड़ेगा। मिल गया, यानी कि सब मिल गया इसके अंदर, इसलिए रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव भी है। तो और इस वाला रिलेशन में जो पहला एग्जांपल मैंने लिया, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो मैंने लिखा आर इज ट्रांजिटिव। हेंस जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मैंने ऐसा एग्जांपल लिया आपका। दूसरा एग्जांपल देख लो आपके लिए बहुत ईजी है, ओके। देखो ये मैंने एग्जांपल लिया 1-1, 2-2, 3-3, तो रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि सेम सेम मौजूद है, सेट मैंने सेट को देखना है यहाँ पे, ठीक है। और ये सिमेट्रिक भी है क्योंकि मैंने बोला कि 1-1 का उल्टा 1-1 ही होगा, 2-2 का उल्टा 2-2 ही होगा, 3-3 का उल्टा 3-3 होगा, तो यानी कि ये सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव भी है क्यों सर, क्योंकि 1 का कोई ऐसा पॉइंट मिला ही नहीं मुझे कि जिसका एक्स कॉर्डिनेट 1 हो, कहीं पे है नहीं है, नहीं मिला, यही खुद का है ना, इसको देखना ही नहीं है, अगला मिलना चाहिए, 2 पॉइंट मिलना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए 2 पॉइंट मिलना चाहिए, मिला ही नहीं, एक ही पॉइंट मिला। एक पॉइंट अगर मिलेगा तो मैंने यहाँ लिख दिया नोट करके, देखो ट्रांजिटिव चेक करने में अगर एक पॉइंट मिले, दूसरा पॉइंट मिले ही नहीं, तो वो ट्रांजिटिव होगा, बात खत्म। आर विल बी ट्रांजिटिव, आर विल बी ट्रांजिटिव, यही बात याद ना कि 2 पॉइंट मिलेगा तभी चेक करेंगे कि है कि नहीं है, ओके। अगर एक ही पॉइंट मिला तो वो ट्रांजिटिव होगा ही होगा, एक्सेप्शन है ये, ओके। चलो उसके बाद तो मैंने ये ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है। चलो उसके बाद देखो मैं ये बहुत एक अच्छा एग्जांपल में दे रहा हूँ, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो एक्स वाई रिलेशन दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, जो भी ह्यूमन बींग्स है। चलो एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का हस्बैंड है। चलो तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या कहा कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे, यहाँ भी एक्स, देखो कन्फ्यूजन नहीं होना, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, तो पढ़ोगे एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, ऐसा रिलेशन दिया हुआ है। अब तुम क्या करो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एक्स, यानी कि यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स रखो, आप पढ़ो इसको, यहाँ भी एक्स रखो यहाँ भी एक्स रखो, आप पढ़ो एक्स इज हस्बैंड ऑफ एक्स, एक्स इज हस्बैंड ऑफ, क्या कोई आदमी खुद का हस्बैंड हो सकता है, कभी नहीं, कोई आदमी खुद का हस्बैंड हो सकता है, कभी नहीं होगा, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, पहली बात रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक में क्या करना, उल्टा करना, तो ऐसे पढ़ो, एक बार ऐसे पढ़ो, एक्स वाई का हस्बैंड है, सही है, मान लेते हैं सही है, पहली बार मानना सही है, अब उल्टा करो, यहाँ एक्स की जगह रखो, वाई की जगह एक्स रखो, वाई इज ए हस्बैंड ऑफ एक्स, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर एक्स वाई का पति है तो ये मेल है, ये फीमेल है, ये मर्द है, ये औरत है, ओके। लेकिन अब उल्टा करोगे तो वाई इज ए हस्बैंड ऑफ एक्स, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वाई तो उसकी पत्नी, पति है, पत्नी तो पत्नी है, वाई उसकी पत्नी, तो ऐसे लिखोगे वाई इज ए, उल्टा करोगे तो वाई इज ए हस्बैंड ऑफ एक्स, ऐसा हो ही नहीं सकता, वाई तो पत्नी है, पत्नी है, वाइफ है, एक्स हस्बैंड तो नहीं है, उल्टा सही नहीं हो रहा, सीधा सही हो रहा है, उल्टा सही नहीं हो रहा है। तो एक्स वाई रिलेशन में तो है लेकिन वाई एक्स रिलेशन में नहीं है, वाई एक्स का हस्बैंड नहीं हो सकता है, नहीं हो सकती है, क्योंकि वो मेल नहीं है, फीमेल है वो, ओके। इसलिए ये ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट सिमेट्रिक, बहुत अच्छा सर, ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, चलो एक्स वाई का हस्बैंड है मान लेते भाई, अब हमको ट्रांजिटिव लिखा चाहिए, दूसरा चाहिए, दूसरा लेना पड़ेगा, अरे एक ले, एक दो चुनेंगे, तीसरा ढूंढेंगे, तो एक्स वाई का हस्बैंड है मान लिया, चलो तो अब एक्स मान लिया, एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई आर में मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई का हस्बैंड है, अब दूसरा लो वाई जेड, पढ़ के देखो इसको, पढ़ के देखो पहले, इस तरह पढ़ के देखो, यहाँ पे यहाँ वाई रखो, यहाँ जेड रखो, वाई इज ए हस्बैंड ऑफ जेड, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर एक्स वाई का हस्बैंड है तो वाई तो पत्नी है, तो ये पत्नी किसी के हस्बैंड कैसे हो जाएगी, तो हमको तो एक ही को मिलेगा, दूसरा मिलेगा ही नहीं, जब एक ही मिला दूसरा मिला ही नहीं, तो मैंने बोला कि ट्रांजिटिव होगा वो, तो आर इज ट्रांजिटिव, बच्चा यही नहीं समझता है, यही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मैंने वहाँ बहुत डिटेल्स आपको समझाया। अगर ट्रांजिटिव में दो ठो ढूंढोगे, दो ठो नहीं मिला, एक ही मिला, तो 100% ट्रांजिटिव है, एक्सेप्शन है वो, याद रखना बात को, ऐसे याद रखना, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। चलो अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये समझ में आ गया आपको, हस्बैंड वाइफ वाला बड़ा मजा आया होगा आप लोगों को, नहीं चलो रिलेशन लेस देन, लेस देन का मतलब क्या होता है, सुनो अच्छा से मैं समझाता हूँ, लेस देन का मतलब क्या हुआ कि जैसे लेस देन का सा नहीं है, जैसे मान लो मैंने बोला लेस देन, ओके लेस देन बोल दिया, अब बोलो रिफ्लेक्सिबली क्या करो, सेम सेम मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 रखो या 2 रखो, अब देखो 2-2 से छोटा होता है, कभी नहीं, ये गलत है, 2-2 से छोटा नहीं हो सकता है, 3-3 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बोला कि सेम सेम रखना, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये गलत हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 2-2 से छोटा नहीं हो सकता है, 3-3 से छोटा नहीं सकता है, क्योंकि सेम सेम लेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम सेम लेना ना। अब यही बोलता लेस देन और इक्वल टू, बोलता क्वेश्चन में लेस देन और इक्वल टू रहता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, क्योंकि
लेस देन और इक्वल टू बोला यानी या तो छोटा या तो बराबर, दोनों में से कोई एक बात लागू होनी चाहिए, कोई एक बात। किताब से मैं पूछता हूँ बताओ कि टू टू से छोटा ये सही है? बोलता है गलत है सर। क्यों सर? दो दो के बराबर तो है लेकिन दो दो से छोटा तो नहीं होता है। अरे यही बात नहीं है आप इसका मतलब नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक बात लागू होना चाहिए, एक ही टाइम पे दोनों बात कभी लागू हो ही नहीं सकता है। या तो दो दो से छोटा होगा या दो दो से बराबर होगा। तो छोटा होता है कि बराबर होता है? बराबर होता है। एक बात लागू होगा ना, सही है तो सही है, तो ये सही है। तो टू टू से छोटा बराबर होता है, छोटा तो नहीं होता बराबर होता है। तीन तीन से छोटा है बराबर, सही है, ये भी सही है। तो अगर यही क्वेश्चन में मैं लेस देन ना बोल के लेस देन और इक्वल टू बोल दूँ, लेस देन और इक्वल टू कई बार एग्जाम में आ चुका है, लेस देन और इक्वल टू बोल दूँ, यहाँ पर सेट रियल नंबर है ये बात अंडरस्टूड है, लेस देन और इक्वल टू बोल दूँ तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, डिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन लेस देन खाली है तो ये सिमेट्रिक डिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि छोटा बराबर का साइन नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये बात समझना। तो टू टू से छोटा या ये तो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है उसका। चलो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, एक ले लेंगे। चलो दो तीन से छोटा सही है, उल्टा करो क्या तीन दो से छोटा हो सकता है? कभी नहीं। उल्टा करके देखो नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए दो तीन से छोटा है सही ले लो। अब एक और ले लो, एक और तीन पाँच से छोटा है सही है। चलो अब दो और पाँच को देखो, दो पाँच से छोटा है, आप किसी को ले लो, दो ठो लोगे तो तीसरा मिल ही जाएगा, ट्रांजिटिव है। तो लेस देन वाला जो है मैंने लिखा, रिलेशन इज लेस देन आर इज ओके, मैंने लिखा एग्जाम्पल भी दे दिया, ये फॉल्स है, वन से छोटा नहीं होता। वन वाला एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव ओके, वन टू से छोटा है तो टू वन से भी छोटा कभी नहीं होगा क्योंकि टू वन से बड़ा होता है, लेकिन छोटा लिया। आर इज नॉट सिमेट्रिक, और वन टू से छोटा है, टू थ्री से छोटा था, वन थ्री से छोटा होगा, आर इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो रिलेशन जो लेस देन है रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है ओके। लेस देन और इक्वल टू होता, अगर लेस देन इक्वल टू होता तो रिफ्लेक्सिव होता, ट्रांजिटिव होता, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होता। जैसे मान लो सिमेट्रिक के लिए वन टू से छोटा या छोटा ही लेना पड़ता तो टू वन से छोटा कभी हो नहीं सकता, तो ट्रांजिटिव नहीं होता ओके। अगर ये बात समझ में नहीं आता तो आप लोग फिर से रिपीट करो बात को ओके, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, बहुत ईजी है ओके। मैंने ये बात लिख दिया यहाँ पर, रिलेशन लेस देन और इक्वल टू रहेगा तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल सब लिया है। अगर आप लोग बताओगे, कमेंट करके बताओगे कि सर इसका एक और वीडियो बना दीजिए, मैंने इस तो थ्योरी दिया इसमें, मैं और क्वेश्चन एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब मैं दूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो बताता हूँ मैं ओके। कोई बात समझ में नहीं आया हो ना तो इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करना, इतना लंबा वीडियो हो गया, मैंने आप लोगों के लिए इतना अपना एफर्ट यूज़ किया, आपको जरूर समझ में आएगा। ये लेस देन इक्वल टू वाला बात में कोई डाउट है मैं आप बोलोगे तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ ओके। देखो ना बहुत ईजी है, लेस देन वाला बोला ना, जैसे मैं बोलूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ, चलो बताओ वन टू से छोटा है सही है? हाँ सही है। क्या वन टू से छोटा है बराबर सही है? तो कोई बच्चा बहुत क्या बोलता है, सर वन टू से छोटा है सही है लेकिन वन टू के बराबर तो नहीं होता ना, ये इसका मतलब गलत लिखा हुआ नहीं। इसका मतलब ये होता है लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, कोई एक बात, कोई एक बार में कोई एक ही बात लागू होगी, एक बात भी लागू हो गई यानी सही है, एक ही बात लागू होनी है, यानी कि वन टू से छोटा है सही है। लेकिन मैं यहाँ बोली तीन तीन से छोटा है बराबर, बताओ ये सही है कि गलत है? ये भी सही है। क्यों? तीन तीन से छोटा तो नहीं है लेकिन तीन तीन के बराबर तो है ना, ये भी सही है। तो अगर लेस देन और इक्वल टू होता ना तो चूंकि सिमेट्रिक के लिए रिफ्लेक्सिव के लिए इक्वल इक्वल लेते हैं हम लोग, सेम सेम लेते हैं, तो ये सही होता, तीन तीन से छोटा है। तो लेस देन और इक्वल टू रहता यहाँ पे तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होता है लेकिन सिमेट्रिक नहीं होता, ट्रांजिटिव हो जाता। जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे, अच्छा सा लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो जल्दी ले लिया ठीक है। तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन मैं पूरा कंटेंट देता हूँ, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछना, कमेंट के जरिए जरूर पूछना, और मैं आप लोगों एक एक बात को क्लियर करूँगा। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट के जरिए कि सर इसका एक और वीडियो बना दीजिए तो मैं इसका क्वेश्चन सब, नहीं तो इतना काफ़ी, अगर थ्योरी आप क्लियर करके चले गए एग्जाम में आपका एक नंबर बन जाएगा, बोर्ड एग्जाम में MCQ इससे बनता है। यही वीडियो आप इतना एक ही लेक्चर देख लो आप काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हाँ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम लगाओ, बनेगा सवाल सब बनेगा, जो नहीं बनेगा आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हो, खुद से ट्राई करना बन जाएगा, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट मैंने दे दिया कम्प्लीटली ओके। ये इनफ है ओके, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर मैं फंक्शन के लिए बनाऊंगा। अगर आप लोग बोलोगे सर कि रिलेशन का वीडियो एक क्वेश्चन प्रॉब्लम वाला वीडियो बना दीजिए तो मैं बना दूंगा, कमेंट करके अगर आप लोग बोलोगे तो ठीक है। तो उसमें मैं खाली सिर्फ प्रॉब्लम करवाऊंगा इसका, रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस रिलेशन का, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ओके। इसमें मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। इससे क्वेश्चन में आपको जीमेल में भी आता है, इससे क्वेश्चन एडवांस का भी टॉपिक इसमें आता है ओके। चलो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों को खूब शेयर करो ओके। तो मेरी जो ख्वाहिश है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ बिल्कुल आपके बिना किसी सेल्फिशनेस के, बिना किसी स्वार्थ के मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने क्वालिटी को, मेरी जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, मैं चाहता हूँ कि बच्चों तक पहुँचाया जाए, दूर दूर तक पहुँचाया जाए ओके। हर बच्चा तक पहुँचे, गरीब से गरीब बच्चा तक पहुँचे, इसके लिए कोई क्वालिटी पैसा ना लगे ओके। एजुकेशन सबका राइट है
ओके ऐसा ना हो कि बच्चा पढ़ना चाहता हो और उसको अच्छा टीचर ना मिले, ये बहुत गलत बात है। इसलिए आप लोग सपोर्ट करो और अपने दोस्तों को खूब शेयर करो, कहीं से कोई भी थोड़ा सा, आप इतना फालतू वीडियो शेयर करते हो, ये काम की वीडियो किसी को भी शेयर कर दोगे कोई ना कोई बच्चा अगर देख लेगा तो उसका भला हो जाएगा, और उसका भला होगा तो आपको दुआ मिलेगी, हमको दुआ मिलेगी, है ना। तो मेरा तब मेरे, अगर मेरे वीडियो से कोई एक बच्चा भी फायदा उठा पाया तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा, ओके मेरा मेहनत कामयाब हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आप लोगों को यही इसी बात के लिए कि हम लोग को थोड़ा सा हिम्मत मिलता है, सपोर्ट मिलता है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। लाइक करने से वीडियो सर्च में आता है, ठीक है, लाइक कर देना, और अगर दोस्तों को तो खूब शेयर करो, ओके। चलो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत नया लेक्चर लेकर आएंगे, अच्छा लेक्चर लेकर आएंगे, ठीक है, बाय।